बंदा एक चाय दीजिएगा, हम बैठ रहे थे ठीक है। यहाँ एक तो चाय दो। अपन दा दो समोसा और एक चाय दीजिएगा, मैं यहाँ जरा बैठता हूँ ठीक है। ए वहाँ क्या कर रहा है, इधर आओ, ग्लास साफ करो। अरे कब तोड़ दिया, कैसे कम करते हैं, इस महीने का सैलरी तुमको नहीं देना। क्या कर रही है, इधर आओ, काम कर। जी घर में कोई है क्या? कौन? जी मैं एक टीचर हूँ, नेहा घर ही है क्या? हाँ यही है, आप कौन? मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, बगल के स्कूल में पढ़ाता हूँ, मुझे नेहा के पापा से बात करना। अच्छा, एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं नेहा के पापा को। ठीक है। सुनिए ना, क्या एक टीचर आपसे मिलने आया है। मुझसे? हाँ, आप बाहर जाके मिलिए ना। देखते हैं। बैठिए 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 बैठिए। जी जी आप बैठिए। एक चेयर लेके आना। जी। आप मुझसे बात करने आया है? जी, कुछ आपसे नेहा के बारे में कुछ बात करना था। जी, नेहा एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, आप उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद मत कीजिए। आप मुझे सही और गलत सिखाने आए हैं, निकल जाइए यहाँ से। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, दूर सुन लीजिए, निकल जाइए यहाँ से। आज तो मैं नेहा को देख ही लूंगा। रुको, क्या बोली तुमने टीचर को पढ़ाई के बारे में? एक जवान लड़की इतना पढ़ लिख के क्या करेगी? नाक कटवाओ क्या तुम मेरा? मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगा। माँ, मुझे पढ़ाई करना है, शादी नहीं करनी। देख बेटा, तू तेरी पापा को जानती है ना, वो जो फैसला लेता है वही हमेशा होता है। वैसे भी तू पढ़ाई करके भी क्या करेगी, नौकरी थोड़ी कर पाएगी शादी के बाद। तो तुम्हारे और पापा के बीच फर्क ही क्या है? सुनिए ना, क्या है? हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है, अगर आप उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने देते तो। औरत हो, अपनी औकात में रहा करो, वरना तुझे तेरी औकात अच्छी तरह से दिखानी होगी। ठीक है, अच्छे से अच्छा बोल दो, तुम्हें भी जाएगा नहीं ये। खोल दो, तुम खुद नहीं निकाल सकते क्या? ज्यादा बोलेगी? भाई है, प्यार से बोल रहे, कर दो शादी के बाद, ऐसे करोगे क्या? बेटी दुकान पे जा। नहीं जाऊंगी मैं दुकान, और घर का काम भी नहीं करूंगी मैं। ए रानी माँ है क्या, सेवा करो तेरी, जा काम पे। मातुम कितनी प्यारी हो, कितनी स्वीट हो। इतना प्यार? मातुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारी बहन को डांटा इसीलिए ना? कभी सोचा है घर का इनकम कहाँ से आता है? तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन इनकम करता है, कभी सोचा है वो?
इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्यों नाराज हो मम्मी? बहन के शादी के बाद कहाँ से खर्चे चलाएगा? हाँ, कहाँ से खर्चे चलाओगे तुम? फिर से वही बात शुरू हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। बनना क्या चाहती हो? बैठो बैठो। बनना क्या चाहती हो तुम? डॉक्टर बनना चाहती थी। तुम अभी भी डॉक्टर बन सकती हो। कैसे? मेरे पास मेडिकल एंट्रेंस के बहुत सारे बुक्स हैं, क्योंकि एक वक्त मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं बन गया टीचर। नेहा, अब तुम बस जम के पढ़ाई करो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, लेकिन तुम्हारे पापा। बस अब मैरिज हो जाएगा, बस तुम पापा को मना लो। ठीक है। सुबह सुबह गरम चाय के साथ ताजा पेपर में मजा ही कुछ और। वो तो है भाई। अरे पेपर कहाँ? देखो आज का क्या पेपर, आज मैंने भी पढ़ा नहीं है पेपर। आज का ही है ना? हाँ भाई। अरे अग्रवाल, ये तेरी बेटी है ना? कहाँ? स्टेट टॉप की है, मेडिकल में। क्या? यहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं अवार्ड देने के लिए। देख देख, तेरी बेटी है ना ये, देख। हाँ, जिस बेटी को मैं हमेशा बहुत समझते रहा, उसने आज मेरा सिर फख्र से और ऊंचा कर। अब से मैं अपनी बेटी का सपोर्ट करूँगा, उसको करियर को और भी अच्छी तरह बुलंदियों पर पहुँचाने के लिए। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं अवार्ड फंक्शन में। मैं किस मुंह से जाऊंगा? मैं अपनी बेटी को आज तक कभी सपोर्ट नहीं किया, और मैं कैसे वहां पर जाऊंगा? उसको तुम्हारी जरूरत है अग्रवाल, तुम जाओगे तो उसका हौसला बढ़ेगा। नहीं दोस्त, ये नहीं हो सकता। ये मौका तुम्हें मिला है, ये मौका तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए अग्रवाल। तुम चलो कल, तुम्हारी बेटी को अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे वाह, कितना मस्त जगह में आए हैं। हाय राम, ये हम कहाँ आ गए हैं? देखिए ना दीदी, हमारे लड़की यहाँ से प्राइज लेगी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर टुडे टू सेलिब्रेट अ फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय वन ऑफ आवर पीपल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ऑन टू द स्टेज। Mr. Chief Minister sir, to felicitate our achievers, and first among them in the West Bengal Joint Entrance Medical Exams is Miss Neha Agarwal. यहाँ ऐसी लड़की है जो सुबह 9 से शाम 4 बजे तक
चाहे वो दुकानों में काम करती है, जो झूठे कपड़े धोती है, लेकिन वो झूठे कपड़े धोते वक्त भी एक ही समाज के लिए काम करता है, डॉक्टर बनने का। हमारे आसपास ही हर जगह ऐसी न्याय है, जरूरत है सिर्फ उन्हें थोड़ी सी राहत दिखाने की। ये एक सूखे पत्तों की तरह होती है, जिन्हें अगर थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए तो पता नहीं क्या कर जाए। ये हमारी ऐसी जगहों को जाने लड़के और उनकी सहायता करें। अगर ऐसा हो पाया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की जिंदगी दुनिया के बाकी देशों में